वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपके साथ हैं और आपको पता है आज मौजूए गुफ्तगू है माह सफ़र के हवाले से, जो हमने मन घड़त चीज़ें बना ली हैं, जो ज़ुबान ज़द आम हो गई हैं, जो बदशगुनियों के हवाले से बात करने लग गए हैं हम, इनकी हकीकत क्या है, दीन इस्लाम हमें क्या सबक देता है। हम अपने दीन को पढ़ते ही नहीं, इसके बारे में रिसर्च ही नहीं करते, इसके बारे में जानते ही नहीं। जो मैंने कह दिया, किसी दूसरे ने कह दिया, कहीं से सुन लिया, उसको हम अपनाना शुरू कर देते हैं। तहकीक करें, ख़ास तौर पे जब दीन की बात है तो दीन के बारे में पढ़ना शुरू करें। मैंने ये करना शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आनी शुरू हो गई कि जो चीज़ें हमारे आसपास लोगों ने फैला दी हैं उनको लोगों ने बताई हैं, किसी ने ख़ुद तहकीक ही नहीं की। इस पे गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनका तारुफ करवाऊँ। हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सादिक साहब आलमदीन हैं, इनको वार्म वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शुक्रिया सर। आज चूँकि गुफ्तगू है माह सफ़र के हवाले से, तो अक्सर ये बात सुनने में आती है कि सफ़र के महीने में शादी नहीं करनी चाहिए, बड़ी नहुसत होती है, ये महीना वज़नी होता है। ये वज़नी क्या होता है सर, और नहुसत क्या है इस महीने की? महीना ये भी अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, क्यों नहीं शादी करनी चाहिए सर इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शामी साहेब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपके ज़रिए से अल्लाह ताला कौम की रहनुमाई भी करवा देते हैं हम जैसे तलबा से। हकीकत तो ये है कि सारे महीने कुल अय्याम अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, इसमें कोई भी नहुसत नहीं है, बिल्कुल नहीं रखी। अगर कोई कहता है तो वो ज़िम्मेदार बनता है अल्लाह ताला के, हाँ उसको जवाब देना होगा कि जब इसमें कोई नहुसत थी नहीं, अल्लाह रसूल ने रहनुमाई की नहीं किसी बात की, किसी ख़तरे की, तो तूने क्यों अल्लाह ताला की तरफ, जैसे कुरान मजीद ने कहा तकुलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, तो अल्लाह पर वो बातें क्यों बना देते हो, अल्लाह के ज़िम्मे लगाते हो जो तुम्हें पता ही नहीं है। अल्लाह सुबहानहु व तआला, सच्ची बात तो ये है कि सारे महीने बायस बरकत है, किसी में ज़्यादा रहमत का अल्लाह ताला ने बता दिया है और रख दिया है, किसी में ज़रा कम है। सारे ही अय्याम नहुसत से पाक है। ये तब सवाल हो जब अल्लाह रसूल की तरफ से हो या कोई बैनुल मज़ाहिब किसी में कोई इख्तिलाफ़ हो, जैसे बाज़ मसाइल में थोड़ा इख्तिलाफ़ है, इसमें तो कतन इख्तिलाफ़ है ही नहीं, इख्तिलाफ़ नाम की चीज़ ही नहीं तमाम अहले सुन्नत मकातब फ़िक्र के अंदर कि ये मनहूस, ये आवाम ने बनाया है। और आया कहाँ से है मैं हैरान होता हूँ, ये दौरे जाहिलिये से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से ये एक सिलसिला सोच चला आ रहा है और उसी को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। माज़अल्लाह, जो अल्लाह रसूल ने हमें बताया है उसका हमें अल्लाह जानता है, बिल्कुल नहीं पता। अक्सर अवाम उन्नास को जो अल्लाह रसूल ने हमें अहकाम बताए हैं दीन के, नमाज के, रोज़े के, हज के, ज़िंदगी गुजारने के, मुआशरत के, वो हमें पता नहीं है। और ये जो फरसूदा किस्म के जले हुए पुराने दुदकारे हुए इस्लाम के, उनको हमने पकड़ लिया है और उनके हम मुताबिक चलते हैं। देखिए, इजाज़त दीजिएगा यहाँ कहने के लिए, कतः कलामी की माज़रत। सबसे पहले तो ये कि आप जैसे दीन के दाई लोगों से, आप जैसी बड़ी हस्तियों से मुझ जैसा तालिब इल्म सीखता है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने बड़ी आजिज़ी और इंकसारी से कहा कि आप सीखते हैं, सीखते तो सर हम आपसे हैं। दूसरी बात यह है सर कि जो शादी के हवाले से बात हो रही थी, तो शादी तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद सफ़र के महीने में करके बताई है, तो पीछे क्या रह जाता है? तो ये ख़ास तौर पर पर्टिकुलरली जो हम बात कर रहे हैं शादी के हवाले से, ये ज़माना जहालत का है मामला, और फिर ये दीन को समझने और उसकी तहकीक करने का मामला है जो हम नहीं करते। ये दोनों खामियों के बारे में रोशनी डालिएगा प्लीज़। मैं इसी तरफ आने वाला था कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल दौरे जाहिलिये से ये सिलसिला चला आ रहा था कि माहे सफ़र माज़अल्लाह मनहूस है, ख़ास तौर पर 13 तारीख इसकी बड़ी सीरियस है, हसास है, 13 तेज़ी इसको कहते हैं, इसका नाम हमने अपनी ज़ुबान में रखा। ये सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, 5707 नंबर है, और इसी तरह सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं इस हदीस के, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अदवा वला तैयारा वला हामा, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती अज़ खुद
अल्लाह ताला करे तो उसको वबा बना सकता है, मगर अज खुद कोई बीमारी मुतादी नहीं होती, कोई बदशगुनी नहीं होती। कोई कहते थे कि कोई मर जाता है तो उसकी खोपड़ी से उल्लू निकलता है, वो आके बोलता है, वो फिर नुकसान होता है, उल्लू जो है वो रौनके उजाड़ देता है, उजाड़ बना देता है। इस किस्म की वला सफ़र, और इसी हदीस का आखिरी लफ्ज़ जो है फरमाया सफ़र का महीना कोई कतन मनहूस नहीं। जब हमारे आका और रहबर रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि कोई मनहूस नहीं है माहे सफ़र, तो उसको फिर लेना ये हमारी हठधर्मी और दीन की मुखालिफत है। और रसूलुल्लाह जैसे आपने भी निशानदेही फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की हैं, सहाबा ने शादियाँ की, और सच्ची बात यह पहले भी अब भी अब दौरे हाजिर में भी माँ सिवा तवाहम परस्त चंद लोगों के, जो चंद ख़ानदान कहा जा सकता है उनके, किसी को पता ही नहीं चलता कि सफ़र का महीना आया है गुजर गया है, क्योंकि हमारा जनवरी फरवरी अंग्रेज़ी महीनों के साथ ही ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है, हमें तो पता नहीं होता। हुरमत वाले महीने हैं, हमें कोई पता नहीं। अक्सर कौम को कुछ सौ से आपको एक दो अफराद होंगे जिनको पता होगा कि ये महीने हुरमत वाले हैं, या इस्लामी महीनों के नाम ही कंप्लीट पता हो, नाम भी कंप्लीट नहीं पता होता अक्सर बेशतर। अच्छा सर, ये जो उल्लू के हवाले से बात हो रही थी, बात चल निकली है तो ये भी डिस्कस कर लें, ये भी सुना गया कि उल्लू उजाड़ मांगता है, ये क्या बात है सर? बस वही ना कि वो कहा करते थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तरदीद फरमा दी है ना शामी साहब, बड़ी वाजे बात है कि वो रसूलुल्लाह से पहले का एक सोच चली आ रही थी दौरे जाहिलियत की। आपने उसकी वला हामा, कोई उल्लू का कंसेप्ट नहीं है इस्लाम के अंदर। कहते थे कि जो मर जाता है उसकी कब्र से उल्लू निकलता है, वो आके आपके मंडेर पे बैठ के बोलता है और फिर उसका नुकसान होता है, उसको ऐसे होना चाहिए, उसको खैरात करते थे। यही सोचें हमारी आज भी हैं कि माहे सफ़र के अंदर ये बलाएँ उतरती हैं, हमारी सोच है। अच्छा, हालांकि कोई बला शला नहीं है, इसी तरह इसको मनहूस मादल्ला कहा जाता है, कोई नहूसत नहीं है। आप देखें, मैं देखता हूं, किसी को पूछें कि आपके को कारोबार में या को ख़ानदान में अगर कोई फैमिली में हो जाता है कोई ज़िंदगी मौत कोई बीमारी, वो तो आगे दूसरे महीनों में भी होती है, वो तो लेवल बराबर है। आप तत्न नहीं देखेंगे कि सफ़र के महीने में ज़्यादा मवात है, सफ़र के महीने में ज़्यादा बीमारियां आ गई हैं, ऐसा कतन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसको मनहूस बना देना और ऐसी सोच लेना 13 तारीख को जनाब ख़ास तौर पे कारोबार बंद कर देना कि ये बहुत नुकसान हो जाता है, आज जैसे आसमान से कोई बम गिरने वाला है तो आप दरवाज़े बंद कर लें, बस ऐसा उस वैसा कर लें, ऐसा नहीं। हाँ जी, ऐसा कतन नहीं है। ठीक ठीक है। अच्छा सर, ये जो उल्लू का जिक्र हो रहा था, एक चीज़ और भी जहन में आती है, जब हम तहकीक ही नहीं करेंगे, जब हम पढ़ेंगे नहीं दीन को, तो उल्लू तो हम खुद बन जाते हैं, उल्लू तो खुद जबकि हम उस मासूम परिंदे पे डाल देते हैं ये बात। बिल्कुल सही। तो हमें खुद को उल्लू बनने से बेहतर है, बनाने से बेहतर है दीन पढ़ना शुरू कर लें, ऐसे उस्तादों के पास आना शुरू कर दें, ऐसे उस्तादों से सीखना शुरू कर दें, कुरान करीम को डेली खोलना शुरू कर दें। सुभानअल्लाह। तो ये मामला हमारे अपने पे हैं। अच्छा सर, दूसरी बात, जैसे आप 13 के हिंसे को कह रहे थे कि लोग समझते हैं, लोग समझते और फिर कहते हैं कि मर्दों पे बहुत भारी है ये महीना, औरतों पे क्यों नहीं है, बच्चों पे क्यों नहीं है, बुजुर्गों पे क्यों नहीं है, ये भी हमने एक अलहदा से बात बना ली है। सर कारोबार, जब कारोबार का हम जिक्र करते हैं तो ख़ास दिन समझते हैं, समटाइम्स ख़ास महीना समझते हैं, और ख़ास तौर पर अब जब सफ़र के महीने की बात करें तो जी सफ़र के महीने में तो कारोबार शुरू ही नहीं करना, शुरू नहीं ख़ास तौर पर। ये क्या सोच है सर? क्या कहा जाए, मैंने तो एक ही बात आपसे निज़ामी साहब अर्ज़ की है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कि ये दौरे जाहिलियत की सारी हैं। हमने कुछ देखें अडॉप्ट किए हैं, इंडिया से हम आए हैं, पार्टीशन हो गई, मगर वो रसूम और रवाज हम साथ ले आए, इधर भी वो आज तक हमारे मुआशरे का हिस्सा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितनी आला बात है कि मेरी उम्मत दौरे जाहिलियत के काम बाकी तो छोड़ देगी, तीन काम नहीं छोड़ेगी, ये मुसलसल चलते रहेंगे। फरमाया एक नौहा करना, एक बदशगुनी लेना, एक सितारों के ज़रिए से किस्मत आजमाई या बारिश वगैरह का हिसाब। फरमाया ये दौरे जाहिलियत के काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुज़श्ता रात बारिश हुई नमाज फजर के बाद, तो आपने फरमाया आपको पता है अल्लाह ने क्या कहा है? जी क्या कहा है? फरमाया कुछ लोग इस बारिश की वजह से मेरे साथ काफिर बन गए हैं और सितारों पर उनका ईमान हो गया है अल्लाह की बजाय, और कुछ लोग हैं उन्होंने सितारों के पर ईमान का कुफ्र किया है और अल्लाह पर ईमान में इस्तेकामत इख्तियार कर ली है। वो जिन्होंने कहा कि ये सितारे फलां मिले, इस तरह हुआ, ये नक्षत्र हुआ ऐसे, तो वो बारिश हुई है, जब ऐसे होता है ये सितारे मिलते हैं तो बारिश होती है। फरमाया उनका ईमान सितारों पर है, सितारे किसके हुक्म से चलते हैं,
ये शब रोज किसके हुक्म से चलते हैं, ये सफर, ये रबीउल अव्वल, ये मुहर्रम, ये किसके हुक्म? अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला ने ही सारा निज़ाम पैदा किया हुआ है, इसलिए मुकम देखें अल्लाह ताला ने कितनी आला बात फरमाई थी। قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ। फरमाया हमें कतन कोई मुसीबत, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ सोच ईमान और हमें राह इस्लाम है कि हमें कोई मुसीबत नहीं पहुँच सकती, चाहे पहाड़ से टकरा जाए, टैंक से टकरा जाए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जानते हैं कि मौत इंसान से बचती है वक्त से पहले, वो तो खुद डर डर के पीछे हटती है भी, तेरा वक्त नहीं आया मेरे साथ ना टकराना। अल्लाह ताला की रहमत से फरमाया हमें कोई नहीं मुसीबत पहुंच सकती, मगर जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए लिख दिया है पहले से, वो हमारी पैदाइश से भी पहले अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। मा कतब अल्लाह लना हुवा मौलाना वअलल्लाह फलयतवक्कलिल मोमिन। मोमिनों को चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करें, अल्लाह पर कामिल यकीन और तवक्कुल रखें। देखिए अल्लाह सुबहानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भी कहा गया कि भाई यत्तय्यरू बिमूसा व मन माह, ये जब से मूसा अलैहिस्सलाम आए अल्लाह के नबी रहमत सरापाए रहमत, ये जब से आए हैं हमारे कारोबार तबाह हो गए, हमारा ये नुकसान हो गया, हमारा वो नुकसान हो गया। अल्लाह ताला ने जवाबन फरमाया खुद इनको कह दो नहीं, बल्कि तुम्हारी यत्तय्यरू बिमूसा व मन माह नहीं, तुम्हारी नहुसत तुम्हारी बदअकीदगी की वजह से तुम्हारे साथ है। अला इन्नमा तायरुहुम इंदल्लाह, अल्लाह को पूछो तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारी नहुसत खुद है। जब हम इस्लाम से हटेंगे, कुरान और हदीस से हटेंगे, अल्लाह की और रसूल की रहनुमाई छोड़ देंगे, तो हम अपनी तवाहम परस्ती, माइयों की, बाबों की, नानियों की, दादियों की बातें, वो जो नहीं पुत्र ऐसे नहीं करते, नहीं बेटा ऐसे नहीं है, देवे चेंज हों, 365 गोलियां आटे की बना के हम जाके नहरों में डालते हैं, तालाबों में मछलियों को डालते हैं कि हमारी मुसीबत उधर चली जाती है, उन जानवरों पर बरसात। इसी तरह चने वगैरह बना के तकसीम करते हैं, हमारी मुसीबतें बीमारियां उधर मुंतकिल हो जाए। जी ठीक है, तो सर ये कहाँ से आ गया कि 365 गोलियां, फिर 13 का हिंसा? और वो आपकी बात बड़ी बजा है कि हम इन्फ्लुएंस में रहे हिंदुओं के, उस कल्चर के साथ हम जीते रहे, हमने उस कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, शादी ब्याह, हमारा रहन सहन, हमारा तर्ज ज़िंदगी। बल्कि इस पर हम दोबारा भी आएंगे, एक कॉलर हैं उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, फिर आपके साथ दोबारा शामिल गुफ्तगू होते हैं। मोहम्मद कदीर साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कदीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद कदीर साहब चूँकि ताजर हैं, फर्नीचर मार्केट से ये वाबस्ता हैं और इनका बिज़नेस है, और इनके बिज़नेस के हवाले से, फर्नीचर के हवाले से, चूँकि हम माह सफ़र की बात कर रहे हैं, तो लोगों ने जो कॉन्सेप्ट बना लिया है हमारी सोसाइटी में, ये मैं तो इसको एक टैबू कहूंगा, एक डिलेमा कहूंगा कि हमने मन घड़त चीजें बना ली हैं। तो कदीर साहब फरमाएगा, आपका चूंकि बिजनेस है फर्नीचर के हवाले से और शादी ब्याह की रसूमात में खासतौर पे फर्नीचर बड़ा अहम एक पार्ट समझा जाता है, सफर के महीने में आपका बिजनेस ठप हो जाता है क्या? नहीं, सफर के महीने में हमारा कारोबार ना होने के बराबर होता, जैसे लोगों का जहन यही है कि मुहर्रम और सफर में शादी नहीं करनी, और जो हमें आर्डर आते हैं वो भी सफर के बाद ही आते हैं, सफर में फर्नीचर ले जाने वाले ना होने की बराबरी होते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये बात ठीक है? क्योंकि ऐसी दीन इस्लाम में कोई चीज, कोई हवाला, कोई आयत नहीं है, कोई हदीस नहीं है, तो आपको लगता है कि ये हमने खुद से बना लिया, ठीक है ये बात? बेशक, मैं तो यही समझता हूँ कि ये सारे हमारी मनगढ़ंत चीजें हैं, और जो मैंने आज तक कहीं भी नहीं ना पढ़ा है ना सुना है कि ऐसी कोई बात है सफर के हवाले से। लेकिन यहाँ हमारा जो कारोबारी मामला है वो इसी तरह है कि यहाँ किसी किस्म का कारोबार ना होने का भी समझ होता है। अच्छा, आप अपने कस्टमर्स को या अपने ताजिर बरादरी के लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को आगाही देते हैं, अपनी जिम्मेदारी आप अदा करते हैं कि उनको एजुकेट करें कि इस तरह के मामलात नहीं हैं, आप बिस्मिल्लाह करके काम शुरू करें, हर महीना अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, हर दिन अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, तो करते हैं आप ये बात? हम कस्टमर अगर आए उन्हें तो कहते हैं, लेकिन कस्टमर जो हमारे पास आते हैं उन्होंने तो अपनी शादी ब्याह के दिन पहले रखे होते हैं जी, तो हमें तो वो कहते हैं हमारी इस महीने में शादी है, हमें इस महीने में फर्नीचर चाहिए, यानी उन्होंने जहन पहले ही बनाया होता है। हाँ, उन्होंने पहले बल्कि दिन वगैरह जो उन्होंने मुकर्रर कर लिए होते हैं, उसके बाद हमारे पास आते हैं। ये बात भी ठीक है कि हमारे सोसाइटी में ये होता है कि पहले डेट डिसाइड कर लिए जाते हैं, फिर उसके बाद ये इस तरह की चीज़ों को जिम्मेदारी अदा करने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं
कि पूरे साल में आपका बिजनेस किस माह पे अरूज में होता है और कोई महीना खासतौर पर, जैसे हम सफर के हवाले से बात करें, पूरा महीना ही कस्टमर नहीं आता आपके पास? कस्टमर होता है लेकिन ना होने के बाद वो वही कस्टमर होता है जिन्होंने सफर के बाद शादी करनी थी, वो कोई महीना पहले आर्डर देता है, कोई दो महीने पहले, कोई 15 दिन, और कुछ तो होते हैं कि वो आते ही सफर के बाद मौके पे लिया और लेके आगे भेज दिया। ठीक है, अच्छा कौन से महीनों में ज्यादा लोग समझते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए? तो सफर का तो हम जिक्र कर रहे हैं, और भी कोई ऐसा महीना होता है? और मुहर्रम है, मुहर्रम और सफर। अच्छा, मुहर्रम ना होने के बराबर होता है, मुहर्रम और सफर दोनों में। जी जी, रमजान में होती है आपके पास बिजनेस की डील? रमजान में चलता रहता है, काम चलता रहता है, वही होता है, वही है। रमजान में तो वैसे ये रमजान की वजह से लोग नहीं ना करते, तो दिन को रोजे वगैरह आते हैं, तो वो भी ईद के फौरन बाद ही शादी होती है, ऑर्डर हो जाते हैं बुकिंग जी। लेकिन मुहर्रम और सफर का तो ऑर्डर भी समझ के ना ही बुकिंग होती है। अच्छा कदीर साहब, एक आखिरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये भी बता दें कि अब हम बात करें इन बदशगुनियों के हवाले से, मन घड़त बातों के हवाले से, आपने भी अपने बड़ों से सुना होगा, मैं बड़ों को गलत हरगिज़ नहीं कह रहा, उनकी कोई बेइज्जती या उनकी बेतौकीरी नहीं कर रहा, असल में मामला ये है कोई बुजुर्ग हो, बड़ा हो, बच्चा हो, जब उनको कोई एजुकेट ही नहीं करेगा, बताएगा ही नहीं, सही दीन के बारे में इल्मी नहीं होगा, तो वो आने वाली नस्ल हो या उनके हम असर हो, उनको वही बताएंगे। अब आप चूंकि बहुत शुक्रिया, अब आप चूंकि कारोबार से वाबस्ता है, आपकी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप अपनी ताजर बरादरी में ये बात करें, आप अपने इर्द गिर्द हलकों में ये बात करें, लोगों को अवेयरनेस दें कि ये सफर के महीने के हवाले से हमने जो खुद से चीजें बना ली हैं ऐसा हरगिज नहीं है, तो जिम्मेदारी अदा करते हैं आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद कदीर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। सर देखिए, जब हम कारोबार की बात कर रहे थे तो कदीर साहब से भी बात हुई, तो वो यही कह रहे हैं के लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें सिर्फ हमारी ही जिम्मेदारी आयद नहीं होती, हमारी इनफरादी तौर पे भी ये कोशिश होनी चाहिए। हम घर के सरबरा हैं, हम किसी इंस्टीट्यूशन में किसी लीड पोजीशन पे हैं, इवन हम कोई वर्कर हैं, इवन हम कोई कारोबारी शख्सियत हैं, हम कोई तदरीस के शोबे से वाबस्ता, कोई भी हमारा प्रोफेशन है, मेरी इनफरादी भी जिम्मेदारी है कि मैं अपने दीन को समझूँ, इसको पढ़ूँ। जैसे हम बात वहाँ पे छोड़ी थी हमने कि हम चूँकि हिंदू कल्चर में रहे, हमने वहाँ से वो फलानी मेहंदी ले ली, फलाना माइयों ले लिया और इस तरह की चीज़ें ले ली, और फिर वो चावल फेंकना ले ली, जो हमारे दीन इस्लाम में कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं है, कहीं कोई चीज़ ऐसी आपको साबित नहीं होती। अब देखें, सुबह सुबह हमारे अक्सर दुकानदार हजरात जी जी कोई मोहल्ले का आ जाए जी, आप फलान चीज़ दे दें हमें, जैसे अबू आते हैं दे देंगे, वो कहें सुबह सुबह बोनी द टाइम है, ये हिंदुओं का लफ्ज़ भी, हिंदुओं का सुबह सुबह उधार दे दिया तो सारा दिन उधार ही चलता रहेगा। कोई बीबी है, उसने कपड़ा लिया, कोई चीज़ ली, वो वापस करने चेंज करने आ गए, ना सुबह सुबह वापसी नहीं, पिछले टाइम आना, ये सोच है, कैसी गलत सोच है। इसी तरह पीछे से आवाज़ दे दीजिए, सब हिंदुओं की काम नहीं होगा, कितनी मरतबा मना किया, पीछे से आवाज़ नहीं देते, जो जब घर से काम के लिए निकले सोच कर, तो पीछे से आवाज़ बिल्कुल नहीं देनी, काली बिल्ली गुजर गई, रास्ता काट गई, लिहाजा वापस घर आ गया है, ये कैसी तवाहम परस्ती है। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ही आलीशान हदीस है, आप अलैहिस्सलाम एक दफ़ा सहाबा के पास आए, आपने फरमाया है मेरे सहाब अल्लाह की रहमत से मुझे ये खुशखबरी मिली, मैं आप तक वो पहुंचा रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे वादा फरमाया है कि 70,000 बंदा आपकी उम्मत का बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा। सुभानअल्लाह, सहाबा ने अल्लाहु अकबर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, अल्लाह खुश हुए, दूसरी मरतबा जिब्राइल को भेजा, फरमाया आओ बोनस दे आओ, 70,000 ज़र्बे 70,000 अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। कहाँ तक देखें ये तादाद पहुँच दिया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो घर चले गए, सहाबा आपस में लग पड़े सोचने, यार ये कौन लोग होंगे, मुख्तलिफ आरा थी, इख्तसार से ये आप वापस तशरीफ़ लाए, फरमाया क्या बातें हो रही हैं, हम सोच रहे हैं जी वो कौन खुशकस्मत होंगे जो बग़ैर हिसाब के डायरेक्ट दोज़ख़ में दाखिल हुए या दोज़ख़ को देखे बग़ैर जन्नत में जा रहे होंगे। सुभानअल्लाह, आपने फरमाया मैं तुम्हें बताता हूँ वो कौन लोग होंगे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुमुल लदीना ला यस्तरकून, ये वो लोग हैं जो जाहिलियत का दम झाड़ा नहीं करवाते, अल्लाह इधर नहीं जाते, दम झाड़ फूंक फांक जाहिलियत का, काला इलम टूना, काला पीला, वला वला तय्यरून, और वो बदशगुनी नहीं लेते,
कि मेरे आगे से बिल्ली गुजर गई, कुत्ता गुजर गया, मुझे पीछे से आवाज़ दे दी, ये मनहूस आया था सुबह सुबह, मुझसे उधार ले गया, सारा दिन जनाब को गाक नहीं, इस किस्म की बला यस्तरकून बला यतत्यरून बला यक्तबून, दाग नहीं देते। आखिरी अल्फाज के आपने फरमाए वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, किसी के ज़िम्मे नहीं लगाते। जैसे हम बाज़ को कह देते हैं कि ये इसकी वजह से काम हुआ है, हमारी बहू है शादी हुई, वो माहे सफ़र में कर ली थी शादी, इसलिए ऐसी मनहूस घर में आई है कि हमारे घर में वो रही ही नहीं बरकतें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब दुकानें लगी हुई हैं, लड़कियां मौजूद हैं शादी के लिए, लड़के मौजूद हैं, या तो वो मर जाए ना सफ़र में कि भाई मंगनी की थी तो इसलिए उसकी डेथ हो गई है माहे सफर में आने की वजह से, तो तब नहीं हो सका। तो ऐसी कोई बात कभी नहीं होती इंशाल्लाह। हमें सोचना चाहिए कि हम कहते क्या है, या फालिज गिर गया लड़के पर, इसलिए ऐसी कोई बात ही नहीं। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला इसी तरह कायम और दायम रखे अपनी रहमत को साहिबान। तो ये अगर बातें हो, शादी हाल मौजूद है मगर उनके पास कोई जाता नहीं, तब हम पर सारे पीछे दबके बैठे होते हैं कि ऐसे क्या किया तो नुकसान हो जाएगा। तो इसका कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, माहे सफर से नहीं है, हमारी तवहम परस्ती से है। जैसे मैंने आपके सामने कहा लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना, हमें तो कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती इंशाअल्लाह। हम तो मांगे दुहल अल्लाह ताला के सामने, ऐसी बदअकीदगी के सामने दीवार बन के खड़े होते हैं, उनको सोच देते हैं, दावत देते हैं कि ये बातें सारी की सारी छोड़ दो, अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर तवक्कल करो, जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवक्किल थे। हम ना करें ये शादियां, हम ना जाएं इस तरफ, हमारा कसूर है, माहे सफर का कोई कसूर नहीं है, ये बिल्कुल वाजह बात है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं इस्लामी शरीयत में ऐसी बदशगुनी के हवाले से कोई चीज कोई चीज साबित नहीं होती। जी हमने बनाई है तो हमारे अपने अंदर खामी है, हमें वो देखनी चाहिए कि खामी कहां रह गई। अच्छा सर, ये नेक फाल बद फाल माह सफ़र, ये इनको क्यों जोड़ा जाता है, नेक फाल बद फाल, ये क्या मामला है, ये भी थोड़ा समझा दीजिए। ये नेक फाल बद फाल जो है ना जी, ये भी एक तो ये है कि एक अंदाज से ये दुरुस्त है सोच जी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र के अंदर जाते हैं ना तो पड़ाव करना होता, थोड़ा सांस ले लें, यहाँ ठहराओ, थोड़ा आराम कर लें लश्कर फौज, तो आप पूछते इस बस्ती का क्या नाम है, इस इलाके को क्या कहते हैं। अगर अच्छा नाम होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे पड़ाव कर लेते, नाम अच्छा होता, नाम अच्छा होता तो आप पड़ाव कर लेते। अगर नाम गलत होता कोई सा बुरा, जैसे एक सहाबी थे वो मुसलमान हुए तो उनका नाम था अबुल हज़न, हदीस पाक में आता है उनका नाम था अबुल हज़न। हज़न कहते हैं गम को, गम का मालिक या गम बाला या गम का बाप, ये मानी किए जा सकते हैं इसके। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया यार तू अबुल हज़न क्यों नाम रखा हुआ है, तू को अच्छा नाम रख, अबुल यसर रख ले, आसानियों वाला, मुसी मोहब्बतों वाला, खुशियों वाला। उसकी बस सोच थी, नया नया मुसलमान हुआ था, तरबियत नहीं थी इतनी, तो अल्लाह उन पर रहमत करे। वो कहने लगे, वो खुद हदीस बयान करते हैं, वो कहने लगे मैंने कहा जी मेरे माँ बाप ने जो नाम रखा है मैं उसको चेंज नहीं करूँगा, मुझे वही पसंद है। आपने फरमाया तेरी मर्ज़ी है। अब वो कहता है फम्मा जालतिल हुजूना तुफीना, हमारे सारी जिंदगी के अंदर गम गया ही नहीं हमारे घर से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानने की वजह से असल तो नहूसत ये है। फम्मा जालतिल हुजूना तुफीना, हमारी फैमिली में गम परेशानियां सारी जिंदगी ता हयात ये हमारा साथ देती रही। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह बायां से खा रहे थे, आपने फरमाया दायां से खाओ। कहता जी ये नहीं, उसने गोया के इनकार कर दिया, कहता जी मेरा सज्जा हाथ नहीं चलता, दायां हाथ नहीं चलता, मैं लेफ्टी हूं तो मैं यही इस्तेमाल करता हूं। अब वो कहते हैं कि ये फालज ऐसा गिरा कि उठाना भी चाहता था अपना दायां हाथ, उठता ही नहीं था। ये अल्लाह रसूल की मुखालिफत की सजा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखे मैं आपको एक हदीस पाक के सिलसिले में बताता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते तो अच्छा इलाके का नाम होता तो आप वहां उतरते। मदीना टाउन है जी, आप कहते बड़ा सोना नाम है, यहाँ पे क़याम करेंगे। अगर को होता कोई ख़तरनाक कोई ऐसा ही उजड़पुरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते यहाँ नहीं रहेंगे हम, आगे चलो किसी और जगह पे क़याम करेंगे। बाकी तवाहम परस्ती सही उल जामे शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह की
किताब है जो उन्होंने सही अहादीस का जखीरा अलहदा किया। सर सॉरी टू काट यू, दोबारा आएंगे इधर, हमें एक कॉलर ज्वाइन कर चुके हैं, फिर दोबारा गुफ्तगु को आगे लेके चलते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर सारिम सैफ साहब, आलमी दीन हैं, इनको वार्मली वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकअल्लाह। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि हम माह सफ़र के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, माह सफ़र हिजरी साल का चूँकि दूसरा महीना है और ये हुरमत वाले तीन महीनों के बाद आता है, शरीयत इस्लामी में ये आम महीनों की तरह है या इसकी इसके कोई ख़ास अहकाम भी हैं? तमाम चीज़ें होती हैं शरीयत ने उसके मुतल्लिक बताया होता है जी। इसी तरह 12 महीने जो हैं उनके मुतल्लिक जो जो इबादत 12 महीनों में की जाती हैं वही इबादत इन महीनों इस महीने के अंदर भी हैं, और ना ही इसकी कोई नहूसत है जैसे कि पहले तसव्वुर किया जाता था कि तीन हुरमत वाले महीनों के बाद ये आया चूंकि, तो लिहाजा उनकी आदत थी चोरियां डकैतियां मार कुटाई, तो वो रुके हुए होते थे, तो अब वो तीन महीनों के बाद जो है वो अपनी उस कमी को पूरा करते थे। तो चूंकि एक आम आदमी को बड़ा परेशान हो जाता था इस इन दिनों के अंदर के चोरियां डकैतियां बढ़ गई हैं, राजनी बढ़ गई है, जुल्म सितम और लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, तो इस वजह से उसको यह महीना ही बुरा लगना शुरू हो जाता, तो वो इसको नहूसत वाला करता। इस्लाम ने इसकी ममानत की कि कोई महीना जो है वो सफर वाला है, ऐसा नहीं होता कि जिसमें कोई नहूसत हो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर फरमाया वाला सफर कि कोई ऐसा महीना नहीं है कि जिसके अंदर कोई नहूसत हो। तो इस महीने के अंदर वही इबादत जारी होती कि जो आम महीनों के अंदर होती थी, जैसे हदीस पाक में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया के मुतल्लिक आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान और गैर रमजान के अंदर तहज्जुद की 11 रकात पढ़ते थे, तो रमजान के अंदर तो 11 रकात का अहतमाम हो गया, तो गैर रमजान इसका मतलब वो जो बाकी 11 महीने हैं उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में भी उसी तरह तहज्जुद का अहतमाम किया करते थे, और इसी तरह सदका और खैरात का अहतमाम, इसी तरह नवाफिल का अहतमाम, इसी तरह जो रियासती उमूर है उनको देखा जाता था, तो उसी तरह इबादत की जाती थी कि जैसे आम महीनों के अंदर इबादत की, और इबादत की जो एक खास होती है कि अल्लाह ताला की रजा के लिए की जाए और सुन्नत के मुताबिक की जाए, तो उसी एतबार से ये भी किया जाए। ठीक है। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि अब तो बड़ा मॉडर्न दौर आ गया ना, हम जिद्दत में चले गए, टेक्नोलॉजी में चले गए, लेटेस्ट एरा में आ गए, ग्लोबल विलेज बन गए, हम चांद से आगे के सफर पर निकल गए, लेकिन आज भी जमाना जाहिलियत की बात कर रहे हैं हम, आज भी हम वही बदशगुनियों की बात कर रहे हैं, तो ये लैग कहाँ पे आता है, ये नज़रियात अभी तक चेंज क्यों नहीं हुए जो कि हकीकत है, जो कि असल नज़रिया है, इसकी रीजंस क्या है? असल में ये इसलिए तब्दील नहीं हुए कि जो पहले लोग थे ना उनको जब कोई चीज़ मिलती नहीं थी, लॉजिक नहीं मिलती थी किसी परेशानी के मुतल्लिक, उनको ये खुदा का असल तसव्वुर ही नहीं था अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती, और वो मुसीबत क्यों आती है, वो या आजमाइश होती है या अजाब होता है, तो उनको चूंकि अल्लाह का असल तसव्वुर नहीं था, तो इस वजह से वो मुख्तलिफ हवादिस जमाना को वो किसी ना किसी चीज़ के साथ मुत्तसिल कर देते, मिसाल के तौर पर चलते चलते आगे से काली बिल्ली गुजर गई तो उन्होंने समझा कि ये एक बदशगुनी की अलामत है कि अगर आगे से गुजरेगी तो मेरा कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई परेशानी हो जाएगी। इसी तरह कारोबार के लिए गए तो उन्होंने एक तसव्वुर कर लिया कि अगर पहले ग्राहक ने सौदा ना लिया तो फिर सारा दिन जो है वो दुरुस्त नहीं गुजरेगा। इसी तरह कोई ऐसी चीज हो जाती, कोई शादी ब्याह का मौका है उसके ऊपर वो सफर करने से मना कर देते कि अगर सफर करेंगे तो कहीं कोई आइंदा जिंदगी के अंदर सारी जिंदगी सफर ही ना करते रहें, परेशानियों का सामना ना करना पड़ता। तो ये इस तरह की नहूसत की जो तसव्वुरात थे वो अल्लाह ताला को ना पहचानने की वजह से थे, क्योंकि ये तसव्वुरात आते हैं कि मुसीबत आई है, तो मुसीबत का तसव्वुर असल ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से आती है, और ये आती किस वजह से है, इंसान के या गुनाहों की वजह से आती है। जैसे एक जगह पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ज़हर अल फसाद बिल बर्र वल बहर बिमा कसबत अयदीन्नास, ये लोगों के हाथों के लोगों के अपने आमाल का शख्स आना है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये जो मईशत की तंगी होती है, ये जो परेशानियां आती हैं, ये इंसानों की बदामालियों की वजह से होती है, और जो बड़े नेक और सुलहा के ऊपर आती हैं वो उनकी आजमाइश के लिए होती हैं, ताकि लोगों को दिखाया जाए कि जैसे ये लोग सब्र करते हुए इस्तकामत के साथ अल्लाह के दीन पे कायम है, तो तुम्हारे ऊपर भी अगर कोई ऐसी मुश्किल मुसीबत आए तो तुमने भी इसी तरह कायम रहा। तो अल्लाह ताला का जो होना के कुल में इन दिल्ला कि कह दीजिए कि सारा कुछ अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे सूरत अनसार के अंदर आता है, ये तसव्वुर जो है वो उनका नहीं था, इस वजह से उन्होंने मुख्तलिफ चीजों के साथ जो है वो नथी कर लिया अपनी मुसीबतों को, ये होगा तो यूं होगा, ये होगा तो यूं होगा, तो ये तसव्वुरात इस वजह से उनके जो है वो डिवेलप हो गए,
खुसूसन बरसगीर के अंदर बुत परस्ती है, तो वो बुत परस्तों के साथ एक अजीब सा तसव्वुरात है, वो फेरी टेल्स मशहूर हो गई और फिक्शन सारी की सारी तसव्वुरात में आ गई, तो इस वजह से उनके अंदर ये आज तक उसी तरह चलता आया। वो हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान जो है हुए, वो हिंदुस्तान हिंदू मजहब को तो छोड़ दिया, लेकिन हिंदुस्तान के उस लिटरेचर को नहीं छोड़ा, उस सारे तसव्वुरात को उसी तरह लेके चलते रहे, जिस वजह से हमारे इलाकों के अंदर कुछ ज्यादा हो चुका। ठीक है, अच्छा ये फरमाएगा कि जो हम तवक्कुल की बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला पे हम एतकाद और वो समझें कि जो दीन इस्लाम है क्या, हम माइग्रेट कर गए, हम वो कल्चर छोड़ आए, हम उन लोगों से आगे आ गए, हमने मज़हब तब्दील किया या हमने मज़हब को ज्वाइन तो किया, समझा नहीं, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन अल्लाह पे तवक्कुल का मतलब क्या है ये भी ज़रा बता दीजिए, ताकि एक रिवाइव हो जाए चीज़ जो शायद हम अपनी बहुत ज़्यादा तेज़ ज़िंदगी में भूले होते हैं, बस अपने काम ही कर रहे होते हैं और फिर ये बदशगुनियाँ समझ के हम कहते हैं हाँ ये भी बात ठीक है। असल मामला जो है, जो की पोजिशन है इसमें, जो असल बेस है, वो भी बता दें। तवक्कुल का मतलब होता है एतमाद करना। जी, जब इंसान को ये मालूम होगा ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ही के हुक्म से सब कुछ हो रहा है, तो फिर अल्लाह ताला पर भरोसा करेगा। और तवक्कुल जो है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम ऐसा तवक्कुल करो कि जो तवक्कुल करने का हक है, तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को अल्लाह ताला रिस्क देता है, वो सुबह भूखे पेट जाते हैं और जब शाम को आते हैं तो उनका पेट भरा होता है। अब इसमें दो चीजें हैं तवक्कुल के अंदर। तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि आप पर हाथ धरे बैठे रहें और अपने रिस्क को तलाश ना करें, मेहनत ना करें। तवक्कुल का ये मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा क्या दिया कि जैसे परिंदों को रिस्क देता है, परिंदे मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं। इस्लाम इंसान को एफर्टलेस नहीं छोड़ता, एफर्ट करो लेकिन उसका नतीजा तुम्हारी एफर्ट के ऊपर नहीं है, एफर्ट तुम्हारे जिम्मे है, नतीजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिस्क अता फरमाना है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के ऊपर तवक्कुल करें और मुख्तलिफ चीजें तमाम छोड़ देंगे तो फिर ही बेहतरी आएगी। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया आए उनके ऊपर भी इस किस्म के इल्जाम लगे, लेकिन उन्होंने तवक्कुल का दामन नहीं छोड़ा। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस वक्त आग में फेंका गया, तो उस वक्त जो है हदीस में आता है, सही बुखारी के अंदर आता है, तो उन्होंने एक लफ्ज अदा किया, उन्होंने कहा कि हस्बी अल्लाह व निअम वकील, मुझे अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। इसको कहते हैं तवक्कुल। जैसे इकबाल ने भी कहा कि तवक्कुल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, भरोसा उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर, कि अल्लाह ताला पे भरोसा किया जाए, अल्लाह ताला ही कारसाज है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही करने वाला है। जब ये तसव्वुर इंसान के ज़हन में होगा तो फिर ये छोटे छोटे तसव्वुरात आ जाना कि अगर ये काम हो जाएगा तो मेरे लिए खराबी पैदा हो जाएगी, यूं हो जाएगा तो खराबी पैदा हो जाएगी, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंसान के ज़हन से उतर जाएंगी और अल्लाह के साथ के ऊपर भरोसा जो है वो इंसान को अल्लाह के करीब करेगा, फिर अल्लाह ताला उसके लिए आसानी और आफियत वाला मामला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारम सैफ साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। देखिए जी, अभी हाफिज़ साहब डॉक्टर साहब से भी यही बात हो रही थी, तो मैं उसी लाइन पे दोबारा आऊँगा जहाँ से आप और मैं गुफ्तगू कर रहे थे, उस हवाले से आइए दोबारा जो आप देने वाले थे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, मैं वो अर्ज़ कर रहा था, सईउल जामिया का हवाला है और ये 6264 नंबर हदीस है किताब के अंदर। सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रद्दत हुत्तियारतु अन हाजते ही फ़कद अशरका। शिर्क याद रखे वो गुनाह है जो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में सैयदना ईसा अलैहि सलाम की ज़बानी हुआ ऐलान दर्ज फरमा दिया है कि मैं युशरिक बिल्लाह फ़कद हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्ना, कि जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी। उसका खात्मा अगर शिर्क करते हुए हो गया, उस अकीदे पर हो गया, तो उसके लिए जन्नत हमेशा के लिए हराम है। हाँ, ज़िंदगी में मुशरिक तौबा कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुआफ़ करते हैं, ये अल्लाह का सुबहाना व तआला वादा है। तो ये फिर कहना कि मैं कहूँ कि ये शिर्क है, दूसरे बुज़ुर्ग कहें या आप कहें ये शिर्क नहीं है, कैसे शिर्क बन गया, ये इख्तिलाफ़ तो एक है, इसमें तो कुछ गुंजाइश हो सकती है कि मेरी बात गलत हो सकती है, मे भी आपके बात में कमजोरी हो, मगर जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा कह दें कि ये शिर्क है, फ़क़द अशरक, क़द तहकीक का लफ्ज़ है कि उसने शिर्क किया, ये कसम के माने में भी हो सकता है, यानी इसमें जोर है, वजन है, तो इसमें कौन सी शक की बात है। आपने फरमाया मन रद्दत हो, मन रद्दत हो तैयारा तो अन हाजत ही, जिस बंदे को उसकी हाजत से, उसके काम काज से सिर्फ बदशगुनी रोक दे, उसका वहम तवहम परस्ती उसको रोक दे। मैं जा रहा था तो कहा ओ आज की दिन है, आज बुध है,
वो ये तो आखिरी चार शब्बा है, नहीं नहीं आज नहीं जाना, आज नहीं जाना, वापस आ गया है, आज मेरा काम ही नहीं होना, नुकसान भी हो सकता है, फलां भी हो सकता है, ये सोच कर वापस आ गया। फरमाया उसने शिरक किया है। मन रद्दत हुत्तयरत वन हाजत ही फ़कद अशरका, जो जाते हुए वापस पलट आया सिर्फ तवाहम परस्ती की वजह से। जैसे हम कहते हैं ये मनहूस महीना है मादल्ला, कारोबार शुरू करना, उसके साथ प्लाट की डील हो रही थी, नहीं नहीं मैं भाई सफ़र के बाद बात करूँगा, या आखिरी चारशंबा है या आखिरी बुध है, ये भी बड़ा कंसेप्ट है, आखिरी चारशंबा बड़ा मनहूस है इस महीने का, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। और अजब तजाद है निज़ामी साहब, अजब तजाद है कि एक हम कहते हैं, आपने शायद सुना होगा कि लोग नहा धोकर खुशबू लगाकर अच्छे कपड़े पहनकर बच्चों को लेकर सैर के लिए पार्कों के अंदर निकलते, साहिल समंदर पे जाते, ये वो। पूछा ये क्यों, कहते जी ये आखिरी चारशंबा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहत याब हुए थे, इसमें आप नहाए थे, आपने उजले कपड़े पहने थे, आपने खुशबू लगाई थी। खुशबू बेचने वाले कहते हैं जी ये खुशबू लगाना सुनना था आज के दिन, वो भी एक बनाते हैं अपना इसको जनाब तिजारत का जरिया, हाँ जी कमाई का जरिया। तो ये कर दे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी बुध के अंदर सेहत याब हुए, आप खुद कह रहे हैं, और उस सुन्नत पे अमल करते हुए आप ना हाथ धोकर बाहर जा रहे हैं पार्कों में, बागों में सैर के लिए, तो फिर मनहूस तो ना हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो सेहत हो रही है इसके अंदर। आप लोग सोचते हैं कि ये मनहूस है माज़ल्लाह बुध, ये तजाद बयानिया है, जितने मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन असल बात वही है जो कुरान और हदीस में, जो कुरान और हदीस की है, असल बात दीन इस्लाम की है, और मोहर वही है जो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह रसूल के लग जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली करके हमें बताया। जी सर, गुफ्तगू ऐसी खूबसूरत है, दिल तो नहीं करता कि इसको रोका जाए, लेकिन हम वक्त के कैदी रहते हैं, तो मुझे ये जसारत करनी पड़ेगी कि मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन जी फ्रूटफुल सेशन रहा, मैंने बहुत कुछ सीखा, आपने भी यकीनन सीखा होगा, और अगर कोई चीज़ आपने जाननी है तो हमें लिख भेजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर आपके सामने हैं, हमारी साइट्स ऑफिशियल पेज आपके सामने हैं, आप हमसे राबता करके सवाल कर सकते हैं। मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा, हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा सादिक साहब, सर आप तशरीफ़ लाए, आपके आने का बहुत शुक्रिया। इनके साथ हमें ज्वाइन किया मोहम्मद कदीर जो कि ताजिर फर्नीचर मार्केट थे, और इनके साथ डॉक्टर सारिम सैफ, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था आलमदीन, ये हमारे मौजूद मेहमान रहे। कहने की जो बात है और जो सुनने की बात है वो ये है कि दीन की तरफ लौटिए, हम चाँद पर चले जाएँ, चाँद से आगे चले जाएँ, कहीं कहकशाओं में चले जाएँ और कमंद कहीं और डालते रहें, लेकिन असल बात दीन की है, इसको सीखें, इसको समझें, अपने बच्चों को समझाएं, अपने घर वालों को समझाएं, अपने अजीज़ो कारब को समझाएं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को समझाएं, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। कोशिश करें कि पहले खुद सीखें, फिर आसपास भी ये सीख पहुंचाएं। मुहर्रम, सफ़र, ये सारे महीने अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, और ख़ास तौर पर बदशगुनी और इस तरह की मन घड़त बातें ये हमारी सोसाइटी और कल्चर के नहीं हैं, हमने कहीं और से अडॉप्ट कर लिए हैं, कहीं और से अपना लिए हैं, ये हमारा दीन नहीं है, हमारे नबी का दीन नहीं है। सो इस पे सोचिए और अमल कीजिए। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।